कहते हैं कि ऐसा कोई रन नहीं जो रोहित के बल्ले से बना नहीं, और ऐसा कोई गेंदबाज नहीं जो रोहित से पिटा नहीं। जी हाँ, ऐसे ही फार्मूले में फंस गई वेस्ट इंडीज की कमजोर टीम। जैसे ही कप्तान रोहित ने देखा कि सामने बेचारा वेस्ट इंडीज है, तो क्यों ना इसको दोनों हाथ से सकेला जाए। जी हाँ, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए दूसरे ओडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने अपने करियर का जड़ डाला चौथा दोहरा शतक। जी हाँ, वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के पसीने छूट गए रोहित शर्मा के लंबे लंबे छक्के देखकर, लेकिन रोहित शर्मा ने पहली बार हिंदुस्तान की टीम को पहुंचाया 500 के पार। अब आपको क्या लगता है कि वेस्ट इंडीज इतने रन बना पाएगी या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें।